दोस्तों फाइनली सैमसंग ने एक लिस्ट जारी किया जिसमें हमें ये बताया गया है कि एंड्रॉयड क्यू का अपडेट सब डिवाइस में मिलने वाला है। वो डिवाइस कौन कौन से हैं और उसे किस मंथ में एंड्रॉयड क्यू का अपडेट मिलने वाला, ये भी हमें पूरा डिटेल बताया गया है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका डिवाइस हो सकता है। टोटल डिवाइस दोस्तों इसमें 27 है, जिसमें दोस्तों मोबाइल भी है और टैबलेट भी, दोनों मिक्स है दोस्तों। और आप ध्यान से वीडियो देखिएगा क्योंकि कब मैं आपको कौन से डिवाइस का नाम बताऊँ, आपको ध्यान से देखना है, शायद इसमें आपका भी डिवाइस हो सकता है। चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए वो कौन से डिवाइसेज हैं जो टोटल 27 डिवाइस है और उसके नाम मैं बताता हूँ और किस मंथ में दोस्तों उसे एंड्रॉइड क्यू का अपडेट मिलने वाला है, ये भी आप जान लीजिए। चलिए दोस्तों बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक पर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें, चैनल पर नए तो प्लीज दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करके पास में दिख रहे बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हमेशा आपको इस तरह के अपडेट, मोबाइल से रिलेटेड टेक न्यूज अपडेट हमेशा आपको मिलते रहेंगे। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, हो सके तो अपने वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उन्हें पता चल सके अगर उनका ये मोबाइल है सैमसंग का उन्हें भी अपडेट मिलने वाले हैं। दोस्तों एंड्रॉइड क्यू जो है लेटेस्ट वर्जन है, बहुत सारे फीचर्स अनलॉक होने वाले हैं इसमें, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट देख के अपने मोबाइल को अपडेट करिएगा आने वाले टाइम में। तो चलिए दोस्तों कौन कौन से डिवाइस है मैं आपको डेन बताता हूँ, टोटल 27 डिवाइस है, मैंने लिख के रखा है वो मैं आपको बता दूँ। पहले दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग मंथली बता दूँ। जैसे दोस्तों पहला जो अपडेट है एंड्रॉइड क्यू का, मतलब एंड्रॉइड 10 का, अभी नहीं आने वाला दिसंबर में, अब दिसंबर के बाद 2020 जनवरी से आने वाला है। तो दोस्तों जनवरी की मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ। जनवरी में दोस्तों टोटल 3, 2, 5, 7 डिवाइस थे। तो जनवरी में आपको कौन कौन से डिवाइसेस में एंड्रॉइड क्यू का अपडेट आने वाला है, पहले आप नोट कर लीजिए। अगर आपका आपका डिवाइस है तो ध्यान दीजिएगा। जनवरी में पहला डिवाइस है दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी का S10, S10 Plus, S10e, ये दोस्तों 3 डिवाइस। उसके बाद Note 10, Note 10 Plus, नोट 9 और लास्ट एक डिवाइस है सैमसंग का A30 जो कि दोस्तों अभी रिसेंट लॉन्च हुआ है। ये दोस्तों 7 डिवाइस है जिसमें दोस्तों एंड्रॉइड क्यू का अपडेट आने वाला है जनवरी में। हम चलते हैं दोस्तों फरवरी में दोस्तों ये 3 डिवाइस का अपडेट आने वाला है एंड्रॉइड क्यू का। फरवरी में ये दोस्तों M10S, M30S, A50S, ये 3 डिवाइस दोस्तों एंड्रॉइड क्यू का अपडेट वाला है जो कि फरवरी में आने वाला है। अब मार्च में बात करें दोस्तों सिंगल एक ही डिवाइस है जो कि दोस्तों A80 है सैमसंग का, सैमसंग गैलेक्सी 80 मार्च में आने वाला है जो कि एंड्रॉइड क्यू का अपडेट रहेगा। और दोस्तों अप्रैल में बात करते हैं, अप्रैल में दोस्तों आपको मोबाइल के साथ साथ टैबलेट में भी मिलने वाला है। अगर आपको कोई पुराना वर्जन उनका मोबाइल है उसमें भी मिलेगा। तो दोस्तों हम बात करें अप्रैल में दोस्तों पहला डिवाइस होगा A50, A70, उसके बाद दोस्तों एक पुराना मॉडल है A9 2018 वाला वर्जन है उसमें भी आने वाला है, A7 2018 वाला वर्जन है जो कि दोस्तों भी आने वाला है, जो कि दोस्तों आप इमेज में देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक टैब है सैमसंग गैलेक्सी टैब S6 है, वो दोस्तों ये भी अप्रैल में ही आने वाला है। ये दोस्तों अप्रैल का एंड्रॉइड क्यू का अपडेट है। अब हम चलते हैं दोस्तों मई में, देखो ध्यान से और लास्ट में देखिए दोस्तों क्योंकि आपका भी डिवाइस हो सकता है। मई में बात करें दोस्तों मई में हमें दोस्तों A10, A10S, A20, A30S, ये दोस्तों 4 डिवाइस है जो कि मई में एंड्रॉइड क्यू का अपडेट आने वाला है। हम चलते दोस्तों जून में दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी J6 और A20S, ये दोनों डिवाइस दोस्तों जून में आने वाला है। हम चलते दोस्तों जुलाई में दोस्तों आपका एक टैब है, तो दोस्तों वीडियो ध्यान से देखिए। जुलाई के बाद दोस्तों J6 Plus, J8 और टैब S5e, ये भी दोस्तों आप देख सकते हो पुराना मॉडल है काफी, लेकिन इसमें दोस्तों एंड्रॉइड क्यू का अपडेट आने वाले हैं दोस्तों सैमसंग ने बताया। हम दोस्तों चलते हैं अगस्त में दोस्तों एक लौता अपडेट है जो कि टैब को मिलने वाला है, टैब A8 जो कि 2019 में लॉन्च हुआ था, तो टैब को मिलने वाला है अगस्त में। अब बात करें दोस्तों सितंबर में टैब ही है दोस्तों, टैब में दोस्तों टैब गैलेक्सी टैब S4, गैलेक्सी टैब A10.5 दोस्तों ये सब लिस्ट आया है सैमसंग की तरफ से, जिसमें हमें ये बताया गया है कि एंड्रॉइड क्यू का अपडेट इस मंथ होने वाला है। दोस्तों अगर आशा करता हूँ आपको वीडियो पूरा कंप्लीट अच्छा लगा होगा, हो सकता है आपका डिवाइस हो सकता है इसमें, तो अगर आपके पास ये डिवाइस है तो आने वाले टाइम में मंथली का वेट कीजिएगा क्योंकि आपके भी डिवाइस में ये अपडेट आने वाला है। तो दोस्तों वीडियो पूरा लास्ट तक देखा आपके लिए धन्यवाद। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपका भी सैमसंग डिवाइस है तो वेट कीजिए, जरूर आपको अपडेट मिलने वाला है और कुछ डिवाइस अपडेट आने वाले, इसमें हम ये बताया जाएगा और कौन कौन से डिवाइस मिस हुए हैं इसमें और उसमें भी आने वाले समय में आपको मैं बता दूंगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आ गई होगा, पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, जिसमें कुछ नए अपडेट्स हैं। तो अगर आपका दोस्तों कोई और डिवाइस है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका कौन सा डिवाइस है, मैं उसका भी नाम बता दूंगा कि उसमें एंड्रॉइड क्यू का अपडेट कब आएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।